हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट सर्च। दोस्तों, आज का मैच चेन्नई सुपर किंग वर्सेस दिल्ली कैपिटल बीच खेला गया। दोनों चेन्नई सुपर किंग 20 ओवर में 230 का बनाया टारगेट, 3 विकेट नुकसान पे 20 ओवर में। दोस्तों, रन रेट थी 11 की। यदि बात करें गायकवाड की, दोस्तों चेन्नई सुपर किंग टॉस जीता, पहले बैटिंग का फैसला किया और यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए गायकवाड की 79 की पारी हुई, 50 के दो सामना करते हुए 80 रन की पारी खेली, 3 चौके 7 छक्के लगाए थे इस मैच में, 158 की स्ट्राइक रेट थी, 7 छक्के लगा पहले बल्लेबाज बने थे। सक्रिय गेंद पे रसवा ने कैच लिया, ऋतुराज गायकवाड़ आज 75 की पारी खेलते 50 गेंदों में, 3 चौके 7 छक्के लगाए थे इस मैच में। यदि बात करें देवन कॉनवे की, तो 52 गेंदों का सामना करते 87 की बहुत ही खूबसूरत पारी खेली थी उन्होंने इस मैच में, 11 चौके और 3 छक्के उनके बल्ले से आए थे। नोटेज की गेंद पे अमन हकीम खान ने कैच लपका, देवन कॉनवे आज 87 पे आउट हुए। सीमन दुबे बल्लेबाजी करने आए, 22 रन की पारी खेली, यहाँ पे 9 गेंदों का सामना किया, 22 रन बनाए, 3 चक्के यहाँ पे जड़े थे उन्होंने। 244 से स्ट्राइक रही थी उनकी बल्लेबाजी, 22 रन बनाए थे, बहुत शानदार बल्लेबाजी हुई थी सीमन दुबे द्वारा। रमेश धोनी ने कैप्टन दोस्तों 5 गेंदों का सामना किया, यहाँ पे 4 चौके उनके बल्ले से आए थे, बहुत ही अच्छी 4 गेंदों का सामना, 5 रन बनाए थे, 125 की थी स्ट्राइक। रवि जडेजा बल्लेबाजी करने आए, 7 गेंदों का सामना किया, 20 रन बनाए, यहाँ पे 3 चौका चेकअप जड़ा इस मैच में, 285 की थी उनकी स्ट्राइक रेट। 200 एक्स्ट्रा यहाँ पर 10 रन मिले थे, 223 में 3 विकेट गिरे, यहाँ पे 224 के दिया टारगेट दिल्ली कैपिटल को, जीत के लिए 224 रन बने होंगे। ऋतुराज गायकवाड खूबसूरत पारी 79 पे आउट हुए। देवन कॉनवे अच्छी पारी खेली 87 रन की 52 गेंदों में, यहाँ पर सीवन दुबे ने 2 गेंदों का सामना किया, 22 रन की बहुत ही खूबसूरत पारी खेली, 3 छक्के उस मैच लगाए थे। दोस्तों, इस तरह से आज के बहुत छक्के आए थे, 7 छक्के आए गायकवाड की तरफ से, 3 छक्के कॉनवे, 10 छक्के 14 छक्के आए इस मैच आ चुके हैं आज चेन्नई सुपर किंग के। 223 का दिया टारगेट दिल्ली विकेट गिरे इस मैच में 20 ओवर में। रविंद्र जडेजा 20 ओवर पारी खेली, बहुत खूबसूरत पारी खेलते हुए, या फिर रमेश धोनी के साथ। दोस्तों, महेंद्र सोनी का पहले टॉस जीता हुआ, पहले बैटिंग का खूबसूरत फैसला लेते हुए यहाँ पर 230 रन की शानदार स्कोर खड़ा किया, बड़ा स्कोर खड़ा किया आज IPL 23 का मुकाबला, 77 का मुकाबला है आज का मैच। दोस्तों, विकेट की बात करें, यहाँ पर 143 पहला विकेट इतना गायकवाड़ गया था 15 ओवर तीसरी गेंद पर, दूसरा विकेट 195 ओवर सीवन दुबे का 18 ओवर दूसरी गेंद पर, उस 18 ओवर तक 2 विकेट गिरे थे, 195 तीसरा विकेट देवन कॉनवे गिरा था 19 ओवर की दूसरी गेंद पे, 203 विकेट गिरे थे आज देवन कॉनवे का, लास्ट विकेट गिरा, वो बहुत बड़ी पारी खेली थी, 87 की पारी खेली थी। ऋतुराज गायकवाड़ ने बहुत ही शानदार पारी खेलते हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन इस मैच में किया है। बॉलिंग की यदि बात करेंगे तो खलील अहमद 4 ओवर डाले, 45 रन दिए, 1 विकेट यहाँ पर लिया है, 11 की गुन मिली थी इस मैच में। खलील अहमद सबसे महंगा ओवर साबित हुआ इस मैच में, 45 रन दिए। दिलीप यादव की बात करें, 2 डाले 32 रन दिए, यहाँ पर 16 की इकोनॉमी रही उनकी। अक्षर पटेल दोस्तों, यहाँ पर 3 ओवर डाले 32 रन दिए, 10.60 इकोनॉमी रही। अनिश नोटे दोस्तों 4 ओवर डाले 43 रन दिए, विकेट यहाँ पर मिला उनको 10 की इकोनॉमी रही थी उनकी, प्रति ओवर नोटेज का 1 विकेट मिला। चेतन सक्रिया दोस्तों, यहाँ पर 36 रन दिए, विकेट मिला था 9 की इकोनॉमी रही उनको, 4 ओवर डाले 36 रन दिए। कुलदीप यादव दोस्तों, यहाँ पर कोई विकेट मिला नहीं आज इस मैच में, 3 ओवर 34 रन दिए। दोस्तों, गेंदबाजी चेंज की थी, बल्ले बॉलर चेंज किए थे, लेकिन आज विकेट आए नहीं है। 1 विकेट मिला खलील अहमद को, 1 विकेट मिला अनिश नोटेज को और 1 विकेट मिला था चेतन सक्रिया को, इस तरह 9 इकोनॉमी रही थी। दिल्ली कैपिटल की बात करें तो डेविड वॉर्नर कैप्टन, जस धूल, फिल शॉल, रिले रसोवा, अमन हकीम खान, अक्षर पटेल, ललित यादव, कुलदीप यादव, चेतन सक्रिया, खलील अहमद, अनिश नोटेज बल्लेबाजी करने आएंगे इस तरह से चेन्नई के सामने। तो चेन्नई सुपर किंग वर्सेस दिल्ली कैपिटल के बीच मुकाबला आज का 77वां मुकाबला, IPL 23 का मुकाबला दोस्तों, आज का इंडियन प्रीमियर लीग सोलह लीग का 77वां मुकाबला है जो खेला गया। अगर आज जो टीम जीतेगी वो आगे जाएगी, पंद्रह अंक लेके चेन्नई के दोनों बैठे हैं अभी तक, अगर आज जीता है तो 17 अंक हो जाएंगे, वो दो नंबर अपना बना रहेगा। उसके बाद LSG और KKR के बीच मुकाबला होने जा रहा है 7:30 बजे। दोस्तों, दिल्ली कैपिटल वर्सेज चेन्नई सुपर किंग्स के मुकाबला आज का 77वां मुकाबला, टॉस जीते हुए पहले बैटिंग का फैसला करते हुए यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत पारी खेली 223 रन की, 224 रन चाहिए दिल्ली कैपिटल जीतने के लिए इस मैच को। आज बड़ी पारी खेली हुई, दिल्ली कैपिटल वॉर्नर जस धूल बड़ी पारी खेलते हैं तो आज मैच अपने हाथ में कर सकेंगे, बाकी हाथ से मैच भी सब सकता है, क्योंकि आज बहुत ही बड़ा वो बहुत ही खूबसूरत टारगेट दिया है MS धोनी की टीम ने। महेंद्र सिंह धोनी वर्सेज डेविड वॉर्नर के बीच का मुकाबला बहुत शानदार है, यहाँ पर पेचीदा होता जा रहा है। दोस्तों, आज खूबसूरत मैच हुआ, यहाँ पे बहुत ही अच्छी पारी खेली, प्लेयर्स ने रन रेट भी अच्छी रही, यहाँ पे इस तरह से अपना स्थान दूसरा स्थान ले चुका है अभी दोस्तों, क्वार्टर फाइनल प्ले ऑफ में तो पकड़ मजबूत हो चुकी है और चेन्नई सुपर किंग्स की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट सर्च। दोस्तों, आज का मैच चेन्नई सुपर किंग वर्सेस दिल्ली कैपिटल बीच खेला गया। दोनों चेन्नई सुपर किंग 20 ओवर में 230 का बनाया टारगेट, 3 विकेट नुकसान पे 20 ओवर में। दोस्तों, रन रेट थी 11 की। यदि बात करें गायकवाड़ की, दोस्तों चेन्नई सुपर किंग टॉस जीता,
पहले बैटिंग का फैसला किया और यहाँ पर बल्लेबाजी करते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ की 79 की पारी हुई, 50 के दो सामना करते हुए 80 रन की पारी खेली, 3 चौके 7 छक्के लगाए थे इस मैच में, 158 की स्ट्राइक रेट रही, 7 छक्के लगा पहले बल्लेबाज बने थे। सक्रिय गेंद पर रसुआ ने कैच लगा, ऋतुराज गायकवाड़ आज 75 रन की पारी खेलती, 50 गेंदों में 3 चौके 7 छक्के लगाए थे इस मैच में। यदि बात करें देवन कॉनवे की तो 52 गेंदों का सामना करते 87 की बहुत ही खूबसूरत पारी खेली थी उन्होंने इस मैच में, 11 चौके और 3 छक्के उनके बल्ले से आए थे। नोटेज की गेंद पे अमन हकीम खान ने कैच लपका, देवन कॉनवे आज 87 पे आउट हुए। सीमन दुबे बल्लेबाजी करने आए, 22 रन की पारी खेली, यहाँ पर 9 गेंदों का सामना किया, 22 रन बनाए, 3 छक्के यहाँ पर जड़े थे उन्होंने, 244 से स्ट्राइक रही थी उनकी बल्लेबाजी, 222 रन बनाए थे, बहुत शानदार बल्लेबाजी हुई थी सीमन दुबे द्वारा। रमेश धोनी ने कैप्टन दोस्तों 5 गेंदों का सामना किया, यहाँ पर 4 चौके उनके बल्ले से आए थे, बहुत ही अच्छी 4 गेंदों सामना करते 5 रन बनाए थे, 125 की थी स्ट्राइक। रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने आए, 7 गेंदों का सामना किया, 20 रन बनाए, यहाँ पे 3 चौका चेकअप जड़ा इस मैच में, 285 की थी स्ट्राइक रेट दोस्तों, एक्स्ट्रा यहाँ पर 10 रन मिले थे, 223 में 3 विकेट गिरे, यहाँ पे 224 के दिया टारगेट दिल्ली कैपिटल को जीत के लिए, 224 रन बने होंगे। ऋतुराज गायकवाड़ खूबसूरत पारी 79 पे आउट हुए। देवन कॉनवे अच्छी पारी खेली 87 की 52 गेंदों में, यहाँ पर सीवन दुबे ने 2 गेंदों का सामना किया, 22 रन की बहुत ही खूबसूरत पारी खेली, 3 छक्के इस मैच लगाए थे दोस्तों। इस तरह से आज के बहुत छक्के आए थे, 7 छक्के आए गायकवाड़ की तरफ से, 3 छक्के कॉनवे, 10 छक्के 13-14 छक्के आए इस मैच आ चुके हैं। आज सोलह सुपर किंग के 223 का दिया टारगेट, 3 विकेट गिरे इस मैच में 20 ओवर में। रविंद्र जडेजा 20 ओवर पारी खेली, बहुत खूबसूरत पारी खेलते हुए, रमेश धोनी के साथ दोस्तों महेंद्र सोनी का पहले टॉस जीता हुआ पहले बैटिंग का खूबसूरत फैसला लेते हुए यहाँ पर 230 रन की शानदार स्कोर खड़ा किया, बड़ा स्कोर खड़ा किया। आज IPL 23 का मुकाबला 77 का मुकाबला है आज का मैच दोस्तों। विकेट की बात करें यहाँ पर 143 पहला विकेट ऋतुराज गायकवाड़ गया था 15 ओवर तीसरी गेंद पर, दूसरा विकेट 195 सीवन दुबे का 18 ओवर दूसरी गेंद पर, उस 18 ओवर तक 2 विकेट गिरे थे, 195 तीसरा विकेट देवन कॉनवे गिरा था 19 ओवर की दूसरी गेंद पर, 233 विकेट गिरे थे आज देवन कॉनवे का लास्ट विकेट गिरा, वो बहुत बड़ी पारी खेली थी 87 की पारी खेली थी। ऋतुराज गायकवाड़ ने बहुत ही शानदार पारी खेलते हुए बहुत अच्छा प्रदर्शन इस मैच में किया है। बॉलिंग की यदि बात करेंगे तो खलील अहमद 4 ओवर डाले 45 रन, 1 विकेट यहाँ पर लिया है, 11 की गुन मिली थी इस मैच में, खलील अहमद सबसे महंगा ओवर साबित हुआ इस मैच में 45 रन दिए। दिलीप यादव की बात करें 2 डाले 32 रन दिए, यहाँ पर 16 की इकोनॉमी रही उनकी। अक्षर पटेल दोस्तों यहाँ पर 3 ओवर डाले 32 रन दिए, 10.60 इकोनॉमी रही। अनिश रोटे दोस्तों 4 ओवर डाले 43 रन दिए, विकेट यहाँ पर मिला उनको 10 की इकोनॉमी रही थी उनकी प्रति ओवर, नोटेज का 1 विकेट मिला। चेतन सक्रिया दोस्तों यहाँ पर 36 रन दिए, 1 विकेट मिला था 9 की इकोनॉमी रही उनको, 4 ओवर डाले 36 रन दिए। कुलदीप यादव दोस्तों यहाँ पर कोई विकेट मिला नहीं आज इस मैच में, 3 ओवर 34 रन दिए दोस्तों। गेंदबाजी चेंज की थे बल्ले बोलर चेंज किए थे लेकिन आज विकेट आए नहीं है, 1 विकेट मिला खलील अहमद को, 1 विकेट मिला अनिश नोटेज को और 1 विकेट मिला था चेतन सक्रिया को, इस तरह 9 इकोनॉमी थी। दिल्ली कैपिटल की बात करें तो डेविड वॉर्नर कैप्टन, जस धूल, फिल शॉल्ट, विले यशोवा, अहमद हकीम खान, अक्षर पटेल, ललित यादव, कुलदीप यादव, चेतन सक्रिया, खलील अहमद, अनिश नोटेज या बल्लेबाजी करने आएंगे इस तरह से चेन्नई के सामने। तो चेन्नई सुपर किंग वर्सेस दिल्ली कैपिटल के बीच मुकाबला आज का 77वां मुकाबला IPL 23 का मुकाबला दोस्तों, आज का इंडियन प्रीमियर लीग सोलह लीग का 77वां मुकाबला है जो खेला गया। अगर आज जो टीम जीतेगी वो आगे जाएगी, पंद्रह अंक लेके चेन्नई के दोनों बैठे हैं अभी तक, अगर आज जीता है तो 17 अंक हो जाएंगे, वो दो नंबर अपना बना रहेगा। उसके बाद LSG और KKR के बीच मुकाबला होने जा रहा है 7:30 बजे दोस्तों। दिल्ली कैपिटल वर्सेज चेन्नई सुपर किंग्स मुकाबला आज का 77वां मुकाबला, टॉस जीते हुए पहले बैटिंग का फैसला करते हुए यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत पारी खेली 223 रन की, 224 रन चाहिए दिल्ली कैपिटल जीतने के लिए इस मैच को। आज बड़ी पारी खेली हुई, दिल्ली कैपिटल विंड कॉर्नर जस धूल बड़ी पारी खेलते हैं तो आज मैच अपने हाथ में कर सकेंगे, बाकी हाथ से मैच भी सकता है कि आज बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूबसूरत टारगेट दिया है MS धोनी की टीम ने। महेंद्र सिंह धोनी वर्सेज डेविड वॉर्नर के बीच का मुकाबला बहुत शानदार है, यहाँ पर पेचीदा होता जा रहा है दोस्तों। आज खूबसूरत मैच हुआ, यहाँ पे बहुत ही अच्छी पारी खेली, प्लेयर्स ने रन रेट भी अच्छी रही यहाँ पे, इस तरह से अपना स्थान दूसरा स्थान ले चुका है अभी तो दोस्तों, क्वार्टर फाइनल प्ले ऑफ में तो पकड़ मजबूत हो चुकी है और चेन्नई सुपर किंग्स की।